तो सुबह जय में 6 बजे अठे पहुंचा, देखियो तो नजारो ही एकदम से देखी कौन सा क्या में। अमीर तो पड़ोगे क्या लिया नहीं, जो किसान हो गरीब वही काम करोगे, पशु और खेती वही करोगे, बाकी क्यों करोगे। अब गरीब आदमी इनका चौपट हो गया सारा धंधा, अब कहाँ से लाएंगे ये। और तो गवर्नमेंट से ये हमारी विनती है कि इनको मुआवजा दिया जाए। राम राम जी, मैं खुशबू झल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा नौलगढ़ तहसील के अंदर देव गांव आवा है और एक फतेह श्री गांव आवा है, कि 4-5 गांव ही, बाकी एक ही ग्राम पंचायत है जो देव गांव का लोग ही। और वह फतेह श्री बाको खेत है बठे ही, वह 2-3 आपका ढारा कर रखे हैं, लेटरिन बाथरूम कर रखे हैं, बठे ही बाको रहनो सहनो है। जय देखा तो बाकन 8 भेड़ ही, और 31 तारीख ने आप पूछे, हाँ 30 तारीख की रात की बात है कि कोई जानवर आयो। अब जानवर को तो कुछ पतो को लगे क्योंकि कोई अड़े देखो को नहीं, तो 8 हाज या की भेड़ बकरी ही, और 8वें ने कोई जानवर आयो और जानवर आके खागो, और 8 नाइट में कोई सोया भी करतो और रात ने बस सोया को नहीं, जन्माष्टमी में ही लिए बात करा तो 8वें ने खा के चला गया। प्रशासन भी आई ही, डॉक्टर भी आया हा, पोस्टमार्टम भी करो हो। तो अभी 8 के जो लोग हैं तो आप बातचीत करांगा, तो थन कई साल होगी जा मान लो थाने बस है कैसे की जहाँ खेत में। तो पिछले 3 साल से जहाँ, तो जब से मान लो कनेक्शन योजना है अठे, थोड़ा डारा बना रखे हैं, ढांडा अठे ही रखा और पूरा परिवार अठे अभी फिलहाल रहे कौन से, क्योंकि बिजली कनेक्शन कौन तो मान लो परिवार है वो तो भाई दिन में दिन में रहता, दिन में पूरे दिन में अठे रहा, और शाम की जो मेरा छोटो भाई है वो अठे आकर डांडा गंज सो। अच्छा, तो फिर रात ने कठे चला गया। रात ने जन्माष्टमी को प्रोग्राम हो जना अभी की वजह से मैं अनठे पूरा बंद करके, और वो भी की वजह से वो भी बैठे चले गए। तो फिर रात ने 12-12.5 बजे लेट होगी, क्योंकि 12 बजे तक तो प्रोग्राम ही हो जाए, 12:30 बजे बोले चलो सुबह आशा। तो सुबह जय में 6 बजे अठे पहुंचा, देखियो तो नजारो ही एकदम से देखी कौन सा क्या में, मतलब एक बार तो भाई देखे जना पूरा एकदम से वो ओके हो गया। तो एक में 5 बकरी ही और 3 भेड़ ही, तो सैंक के बराबर गले का भाई अठे, और वीडियो भी देखे हुए सैंक मायने जाए पूरा दांत कटोरा है दोनों का। तो प्रशासन आई, हाँ प्रशासन पुलिस ने फोन करे, वह भी आया तो आके वह आपकी कार्रवाई करके लेके गए ही, सरपंच ने भी बुलाए हो। फिर तो सरपंच जी को प्रशासन को बाको की सरपंच जी को तो वही कहना है कि साहब के जानवर है अज्ञात है, तो ई को भैया तो कोई मुआवजा को कोई प्रावधान आत को नहीं, तो आंख में 5 तो ऑलरेडी मर चुके हैं, 3 जिंदा ही जहाँ के भाई ट्रीटमेंट करे अपना भाई बच्चे को नहीं, बच्चे की थोड़ा 1-2 दिन टाइम काट दी तो बचवा का चांस ही पर बोले लागे को नहीं, क्योंकि संख्य गर्दन पर अटेक हो रहा, तो गर्दन टूटने के बाद में भाई थोड़ी बहुत देर 2-4 घंटा काट दी तो काट दी नहीं, इस कमी चांसी। प्रशासन और बक है कि या कि भाई कोई और दूसरों कुत्तो काट दे या कोई आपदा कोई बिजली बिजली पड़ जाए तब तो कुछ मुआवजा मिले, इनमें कोई अहिया जानवर खा जाए जंगली तो कौन मिले। हाँ प्रशासन की पुलिस की तरफ से भी या डॉक्टर से भी बात हुई, या सुबह सरपंच जी भाई आपके लिंक से जो भी जिनसे बात करी, तो भाई यही बता रहे हैं कि जो अपनों मुआवजों को प्रावधान है वो जो कोई करंट लगेड़ो है और है तो भी तो क्या कि जो दूसरों विभाग है या वो एक भी कमा सामने रहे तो वो मुआवजो दे, अभी कमाइने अननोन है तो के भी रोपड़ेगी कौन अज्ञात जानवर इनके खायो है तो वो मुआवजो दे कौन। देखा तो भाई 8 ही, तो कितना के रुपए को नुकसान होगा। अभी नुकसान को तो देखा तो कम से कम 60-70 हजार रुपया को तो नॉर्मल मानो ही, क्योंकि 10 हजार नीचे तो आजकल बकरी भी कोनी है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भेड़ बकरी जो एवरेज अगर आप 10 को भी पकड़ा तो भी 8 जानवर है, 80 हजार रुपया को नुकसान था। और जो थरी भाई ठेके काम धंधो करो हो, खेती बाड़ी को ही करो। हाँ जहाँ खेती बाड़ी को ही है पूरा वही पर, हाँ जहाँ खेती पशु आपको ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो थर ये भेड़ भेड़ी बकरी जा और भेड़ बकरी बन रही कोई गाय एक भैंस भी ना, एक भैंस बंदड़ी ही एक गाय ही एक छोटो गाय की बच्ची है, तो बंपर कोई अटैक को नहीं करेगा। बंपर अटैक तो बकट ही है भाई, तो अब तो जहाँ इस साइड में पानी पाकि बांध छाया बांध दिया, तो जब गाय और भैंस सिर्फ भी बन रही बाको ऊपर कर दे तो बन भी मतलब हाँ, भी भाई मरी जाता मान लो अगर करते तो। सरकार को कोई रिक्वेस्ट है, सरकार सही है कि भाई जो यहाँ की गरीब किसान के साथ कि कोई भी दुर्घटना हो तो किसान तो खेती बाड़ी और पशुओं पर ही आधारित है, कुछ न कुछ मदद कहें भी अगर कोई हो सके या नहीं है तो कुछ आगे से कोई भाई के लिए हो तो भी के लिए कोई यहाँ को प्रावधान प्रशासन ने या जो भी जल कलेक्टर है या कुछ भी एक माँ कोई मदद कर सके तो करनी चाहिए। जुफो देख रहे हो रही जुफा के चारों तरफ जो आप बोलिया करा कि भाई पाल बोलिया करा हाँ ये पूरा पाल बढ़िया तरीका हुई पाल ने गूंथ ही बांधने हो, फिर भी देखा तो जो जानवर हो वो कहीं की जगह बनाई कि पूरे चारों मेरे घूमे है और घूम की थोड़ी सी जगह बना के और फिर अंदर प्रवेश हो। जय सामने पाल है और पाल के अंदर छोटो सा एक बोला कर मोखल है दिख रहे एक अंदर की घुसकी और जानवर है वो 8 जो भेड़ बकरी ही बने मार दी, और इका जो खोज ही
जो खोज देख पा रहे हैं। हाँ भाई, एक तरीका मुझे आपने कुत्ता का बिल्ली का खोज हो या कहीं कुत्ता का साइज का ये खोज है। कोई गांव में बकरी बकरी जा गांव में चार पांच में बिका दो बकरी मार दी हिसाब से। अच्छा अच्छा ये हाँ, और डूढ़े आने भी हिसाब से मारी और मार गुगो जी की बनी है ने मंदिर के पास बीज एक तो छोटो बछड़ा है बिने मार के खाएड़ा है एक ने मार के गाली कर रखे है। मतलब कोई जानवर एक तरीका इजा आ रहे हो हेर बो सन खान लाग रहे जैसे जैसे भाई मौको मिल रहे कोई की बकरी बन रही है कोई की भेड़ बन रही है भाई अवारा ये जो पशु हन हां गांव में भी जो मारी ने दो पहले बकरी भाई सेमी हिसाब से गेटी तोड़ के बन मारी डिन डंक लगा नेस लगा डे और तो मतलब वही जानवर हन है। हां वही जानवर है। तो सरकारों थारी की रिक्वेस्ट है सरकारों यही है कि हर पशु को किसान साहब ने बीमा कराना तो बाकी सब की करो भाई प्रीमियम तो मैं दे दूंगा जो भी लागे जो कोई भी घटना जो तो भी को लाभ मिल रहा है। दूसरी बात सरकार ने अब कुछ भी हो चाहे कोई अनजान जो भी जानवर है तो गरीब किसानों को आप कहें भी अब पाली कितना दो आंख प्रयास ही तो कुछ न कुछ तो मुआवजा वगैरह गरीब हो चाहे कितनों कहें को भी हो गरीब कर तो भाई 2000 रुपये को नुकसान हुआ तो वो भी बहुत ज्यादा। हाँ वो भी ज्यादा ही हुआ अमीर तो पालोगे क्या लिया नहीं किसान हो गरीब वही काम करोगे पशु और खेती वही करोगे बाकी क्यों करोगे। फसल के साथ साथ किसान का मुख्य पशुपालन भी होता है जिससे उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है। अब इस प्रकार से नुकसान हो जाए 80-90 हज़ार रुपये का सालाना तो वो बहुत भारी मार पड़ती है किसान पे। तो प्रशासन से हमारी तो यही मांग है कि इसका कुछ इलाज किया जाए। तो जय मतलब थारो परिवार हो यो इको पर जय मान लो थारा पापा जी बस अदा हूं यही काम अस्मा का पेशेंट है पापा जी तो भैया वगैरह ही चलाऊंगे बस तो खुद पर पेशेंट है तो मांगो इलाज चलते रहे बाण भाई सब मैं संभालो पर खेती देखा तो जो आकी भाण ही बभी बोल को नहीं पा रहे हैं एक तरीका मतलब यहाँ देखा है तो ये किसान है वो केवल बाप पर डिपेंड रहे एक तरीका हुआ कि देखा तो जान सी निकल रही है पैरा के और हाथा की कि भाई ये बोल भी को नहीं पा रहे हैं क्योंकि 80 हज़ार को नुकसान कोई कम को नहीं है। और जै देखा तो किसान है भी को केवल खेती और जो पशुपालन है आप पर ही डिपेंड हुआ और आकी एक गाय और भैंस और भी बन रही वो मतलब भाई जानवर है जानवर तो कोई यहाँ तो हाथ को नहीं इंसान वो समझदार हुआ वो तो बस खाई और निकल गई चलो गए भी कि नजर अठिन पड़ती अड़िन कुछ भी बन बिन पतो लागतो तो आकर भी डंक गडो तो आन भी खा जातो तो देखा तो और भी ज़्यादा कि अगर 2-3 लाख रुपया को नुकसान है वो हो जातो। ये वीडियो के बारे में थे के सोचो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो इन ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दो कि ताकि जो परिवार है कि ज़्यादा में ज़्यादा मदद हो सके। जय हिंद जय झुंझुनू।